दोस्तों, आपके हाथ में जो फोन है उससे चल रहे UPI वाले ऐप्स की ताकत इतनी ज्यादा है कि आज पूरी दुनिया इसके आगे झुक गई है। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पड़ोसी चीन अगर किसी बात से सबसे ज्यादा जल भुन रहे हैं वो है UPI। और अब तक इस मामले में यूरोप में भी भारत ने असली तांडव मचा दिया है। तो ये पूरा मामला क्या है आपको जानना जरूर चाहिए, क्योंकि इस बार इसकी ताकत राफेल और ब्रह्मोस से भी ज्यादा प्रहार कर गई। दुनिया में भारत ने दिखा दी असली तकनीकी ताकत। पहली बार फ्रांस में भी भारत की UPI ने मचाया बवंडर। दोस्तों, भारत तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑनलाइन पेमेंट है। आजकल सब्जी के ठेले से लेकर बड़ी से छोटी हर एक दुकान पर हमें QR कोड लगा दिख जाता है। भारत में हर कोई आजकल डिजिटल पेमेंट कर रहा है, यहाँ तक कि लोगों ने कैश रखना तक बंद कर दिया है और सभी ऑनलाइन पेमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस बदलाव के पीछे इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो UPI पेमेंट को बढ़ावा देती है। UPI पेमेंट के मामले में भारत ने दुनिया भर के देशों को पछाड़ दिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है UPI पेमेंट को ग्लोबल बनाया जाए। और अब इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फ्रांस में पेरिस के फेमस आईफिल टावर से UPI पेमेंट की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, वैसे भी UPI पेमेंट की वजह से भारत में तो बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, साथ ही दुनिया भर के देश हमारे UPI पेमेंट सिस्टम में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यहां तक कि कई देश भारत के UPI पेमेंट सिस्टम को अपना चुके हैं और अब इस लिस्ट में एक और देश का नाम शामिल हो चुका है। ये देश है फ्रांस। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के मुताबिक फ्रांस के पेरिस सिटी में फेमस आईफिल टावर से UPI की शुरुआत की गई है। इसका मतलब साफ है कि अब पेरिस विजिट करने पर इंडियन UPI का यूज करके पेमेंट लुक कर पाएंगे। इसके साथ ही आईफिल टावर फ्रांस में पहला कारोबारी बन गया है जो डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करता है। UPI के जरिए पेमेंट करने के लिए आपको QR कोड स्कैन करना होगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। यानी पेरिस में UPI से पेमेंट करना उतना ही आसान होगा जितना भारत में किसी भी शहर में होता है। फ्रांस में UPI की शुरुआत करने के लिए NPCI ने फ्रांस की कंपनी लायरा ई कॉमर्स और प्रॉक्सिमिटी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क किया है। फ्रांस में UPI सर्विसेज के शुरू होने का अनाउंसमेंट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके थे, जो कि अब इम्प्लीमेंट होता दिखाई दे रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही पूरी दुनिया में UPI का बोलबाला होगा। फ्रांस से पहले सिंगापुर, भूटान, नेपाल, UAE, मलेशिया में UPI पेमेंट सिस्टम को पहले ही अपना लिया गया है। दोस्तों, ये भारत की ऐसी सॉफ्ट ताकत है जिसकी ताकत से अमेरिका से लेकर चीन में भी हड़कंप है। बड़ी बात यह है कि डिजिटल करेंसी के मामले में भारत ने वो कर दिया जिसे करने में अमेरिका के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। भारत बन रहा डिजिटल इकोनॉमी का वर्ल्ड लीडर। भारत के UPI को देख अमेरिका के उड़े होश। दोस्तों, भारतीय UPI इंटरनेशनल हो चुका है। भारतीय अब दुनिया में UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसके जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा भारत एक और स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है जिससे भारत का रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनता जा रहा है। और दोस्तों, यही वो बात है जिससे भारत को डिजिटल गुरु बनने से अब कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दुनिया भर के देश भारत के UPI सिस्टम की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं अब कई देशों ने इसे अपना लिया है। इस लिस्ट में दुनिया के 15 ताकतवर देश शामिल हो चुके हैं और अब इसका इस्तेमाल पिछले 5 सालों में 50 गुना तक बढ़ गया है। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी को डिजिटल बनाने में भारत एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है, या समझ लीजिए कि अपने आप को इस क्षेत्र में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में ग्लोबल लीडर साबित करने का भारत को एक मौका मिला है। इस काम के लिए दुनिया के लोगों को डिजिटल रूप से ट्रेन करने के साथ ग्लोबल लेवल पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में भारत अब अपना गाइडेंस दे सकता है। ये कहना सही होगा कि भारत ही इसका नेतृत्व करेगा। दरअसल भारत के डिजिटल पेमेंट की चर्चा दुनिया भर में है और जिस तेजी से भारत सरकार पेमेंट सिस्टम को लेकर ग्लोबली काम कर रही है, उसे देखा जाए तो आने वाले समय में दुनिया के तमाम देश जल्द ही UPI अपना सकते हैं। अब सरकार के इस कदम के बाद विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए न केवल पैसा भेजने में आसानी होगी, बल्कि विदेशी समाज में उनके एक भारतीय के तौर पर भी स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि UPI को जिस तकनीक के आधार पर बनाया गया है वो पूरी तरह से भारतीय है। ऐसे में अपने देश के आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना, वो भी किसी भी देश के सामने, ये तो किसी इंडियन के लिए प्राउड मोमेंट होगा ही। अगर दुनिया का लेन देन हमारे UPI से होने लगे तो ग्लोबल लेवल पर ये बहुत बड़ा कदम होगा।
क्योंकि डिजिटल पेमेंट की क्रांति में कम समय में उड़ान भरने वाला यूपीआई जैसा कोई भी जरिया अभी तक नहीं बन पाया। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों के लिए पेमेंट करने के लिहाज से इसे काफी अच्छा माना जा रहा है। हमारे यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और इस बैंकिंग की दुनिया में बदलाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका और चीन जैसे दिग्गज देशों की नजर भी भारत के यूपीआई सिस्टम पर है, क्योंकि कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अमेरिका का अपना यूपीआई सिस्टम कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि वहां के नागरिक ही इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अब जहां तक बात चीन की है तो भला ये किसे नहीं मालूम कि चीन हर मामले में खुद को नंबर वन की पोजीशन पर देखना चाहता है। ऐसे में यूपीआई के मामले में भला चीन भारत को आगे जाते कैसे देख सकता है? और यूपीआई के जरिए दुनिया के कई देश भी भारत के साथ जुड़ रहे हैं और ये सारी चीजें चीन को बिल्कुल भी नागवार गुजर रही है। बताएं कि चीन ने बहुत कोशिश की कि रूस उसके यूपीआई सिस्टम यूनियन पे का इस्तेमाल करे, लेकिन रशिया ने मना कर दिया क्योंकि अब रूस भारत के यूपीआई सिस्टम को अपने देश में लागू करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और रूस में से रूस अगर भारत की यूपीआई को अपना लेता है तो सोचिए भारत का कितना दम बढ़ जाएगा। ऐसे में चीन का डर बिल्कुल जायज लगता है कि कहीं भारत का यूपीआई चीन की यूपीआई पर भारी न पड़ जाए। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि पाकिस्तान भी भारत की यूपीआई को अपनाना चाहता है, लेकिन शायद चीन की वजह से पाकिस्तान की सरकार फिलहाल इससे किनारा कर रही है। मतलब भारत की इस तकनीक का क्रेज देखते ही बन रहा है। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।